उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने नारद जयंती पर पत्रकारों का सम्मान किया और कहा, जिस तरह से त्रिलोक के पहले पत्रकार देवश्री नारद ने लोगों की भलाई के लिए काम किया, इसी तरह से समस्याओं को उठाते हुए हमें जनकल्याणकारी पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकार का काम सनसनी पैदा करना नहीं, समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल ने बाल भवन सभागार में आयोजित आंध्र पत्रकार देवश्री नारद जयंती पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की आसंदी से कहा कि पत्रकार समाज हित में सत्य का साथ दे, लेकिन ऐसी पत्रकारिता ना करे जिससे भारत का अहित हो। उन्होंने कहा कि देश में आज जातिवाद, सांप्रदायिकता सहित कई समस्याएं विस्फोटक स्थिति में है। ऐसे में सकारात्मक पत्रकारिता बहुत जरूरी है। जिस तरह से त्रिलोक के पहले पत्रकार देवश्री नारद ने लोगों की भलाई के लिए काम किया, इसी तरह से समस्याओं को उठाते हुए हमें जनकल्याणकारी पत्रकारिता करनी चाहिए। मामा मणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हरिओम शर्मा थे। अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष दीपक सचेत ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, वो कैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समारोह में पत्रकार हरीश दिवेकर, हरीश दुबे, जोगेंद्र सेन, व्रजमोहन शर्मा, सर्वेश पुरोहित, सुरेंद्र माथुर, अभिनेश शर्मा, हरीश उपाध्याय, केदार जैन, रूपाली ठाकुर, श्याम पाठक, अजय मिश्रा, नितेश शुक्ला, राजेंद्र ठाकुर और शुभम चौधरी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।